हेलो। ऐसा मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? ऐसा कंप्लेट डिस्कस करना था और बायनोमियल का होमवर्क दी कल क्लास नहीं हुई थी अपनी? नाइट थी सर। हेलो। हेलो। हाँ अब इतने बताओ क्या बोल रहे हो, क्या था होमवर्क? सर, बायनोमियल के क्वेश्चंस दिए थे और एग्जेम्पलर। बाइनोमियल के कोई? अच्छा, याद आया याद आया। अपन वो डबल बाइनोमियल समेशन वाला कर रहे थे ना। हाँ सर। अच्छा। उसमें मैंने आपको सॉल्व करना कैसे सिखाया, वो दोनों सीरीज गेस करके, है ना? हाँ सर। आवाज कट के आ रही है तुम्हारी। हेलो, हाँ तेरी आवाज कट के आ रही है सर। कीर्ति। बाकी लोग को मेरी आवाज सही आ रही है कि सबको मेरी आवाज भी कट के आ रही है? हाँ नहीं सही आ सर। रही है। हेलो। हेलो, यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर। सर, हमें आपकी आवाज अच्छे से आ रही हाँ सर। है। अभी मुझे भी अच्छी से आ रही है। एक बार जो बाइनोमियल पीडीएफ था, कोई ए फे अच्छा आर फेज पे कल किसी ने डॉट किया था। कल किसी ने डॉट किया था ना? क्या सर? नहीं, वो किसी ने कल पीडीएफ टैग किया था, पीडीएफ भेज दिया किसी था डायरेक्ट। ने भेज, किसी ने टैग पीडीएफ ही वापस भेज दिया था। अरे यार, मत भेजा करो वापस यार, टैग कर दिया करो यार। तो टैग किया अभी। हाँ, मैं मेरे गया तो मोबाइल में यार कुछ नहीं खुल रहा है, मेरा मोबाइल ही बंद हो जा रहा है। अब कौन कौन सा क्वेश्चन था पीएनसी बोलना, बाइनोमियल का होमवर्क? 93, हाँ, 93। हाँ, 111। अब एक मिनट भाई, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, 93 और 111, 111 और 11, हाँ और 113, 113 और 115, वो ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। 115 122,133, और 136। बस बस। चलो बोलो इसमें। 93। सर, हाँ ना डाउट। हाँ मैंने बोलो। मेल शुरू नहीं किया है अभी। क्यों? सर, मैं हॉलैंड नाइट करी थी, आपने बोला था आज आप हॉलैंड नाइट का करोगे डिस्कस। सर ने बोला था हॉलैंड नाइट नहीं हो पाएगा। मैंने बोला था बेटा कि हॉल एंड नाइट नहीं हो पाएगा आज, टाइम मुझे याद कम पड़ेगा। ये वाला कर क्या था? चलो कोई नहीं, ठीक है। बाकी लोग कर लियो, सर। मैं सॉल्व नहीं कर, चलो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कल ही कर लूंगा डिस्कस। किसको हिंट, डाउट्स है बोलो, डाउट्स। 93। 93rd वाला, ठीक है। तुमको ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन सी करना है ना, यस सर। ठीक है? तो बड़ा सिंपल सा है कि ए लेस देन बी लेस देन सी का दो मतलब होता है, ए इक्वल टू बी एंड लेस देन सी, और ए लेस देन बी लेस देन सी, ये हिंट है। अगला बोलो। सर, 111। 111 में डाउट है? सर मुझे वन समझ वन नहीं आया। क्या 111 सॉल्व नहीं हुआ? तुम डाउट है तुमको? हाँ सर। अरे 111 तो मतलब बनना चाहिए 100C0, 200C150, 200C1, ये क्यों नहीं बने? तो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए बताओ। बाकी लोग कल यही तो पढ़ाए थे, बन गया। कल जो पढ़ाया था तो उसका लेक्चर वापस नहीं, कल जो पढ़ाया था बायनोमियल समेशन विद्यू सी, नहीं समझ में आया तुझे? सर मैंने दो बार सुना वो लेक्चर। तो 1+X की पावर 100 का सीरीज क्या होगा? सर बन जाएगा वो। वन प्लस सर हाँ
वो जो पीडीएफ है ना उसमें ना वो कुछ कुछ मिसिंग था, इसके लिए मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन, अब हो जाएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बाकी लोग का बना है कि सॉल्व कर, कल जो कराया था वही कर रहे हैं ना इसमें। हां सर बन गया भाई, जिसका नहीं बना वो बोल सब बोलो ना, इसका बन गया उससे थोड़ा पूछ रहा हूँ। ठीक है 113 यस सर। हाँ डाउट है, ठीक है बहुत सिंपल सा है, दूसरा वाला समेशन में आर का वैल्यू डाल दो एक बार, ठीक है यस सर, और लिख दो अपने आंख के सामने इक्वल टू एस करके, और उसको उल्टा करके ऐड करके देखना कुछ होगा। अच्छा अरे आर फेज आप लोगों को, आप लोगों का बन गया है ना क्या? क्या सर एक बार वापस बताइए ना। हाँ सर बन गया 113 में। हाँ। जो सेकंड समेशन पूछा है ना ओमकार, इक्वल टू एस लेके, ठीक है आर का वैल्यू डाल दो। हाँ। और अगली बार उसी समेशन को उल्टा लिख दो और ऐड कर दो। अच्छा ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बोलो, मैं हिंट दे रहा हूँ सब में ना, 115 115 तो होना चाहिए। क्या बेटा 113 का हिंट नहीं समझा अच्छे से? नहीं समझा, जो दूसरा वाला समेशन दिया है ना उसमें आर का वैल्यू डाल दो। अरे आर का वैल्यू डालोगे ना 0 1 2 डालोगे ना। हाँ सर। हाँ उसको लिख दो, ओपन कर दो और एक बार उल्टा लिख के ऐड कर दो। ठीक है सर समझ। कुछ करो ऐसा, देखो क्या होता है। फिर कौन सा 122 122 तो हो जाना चाहिए जो लोग अटेम्प्ट किए हैं। यस सर बन गया। यस सर 120 इसका नहीं बना है, हिंट पूछो 125 सर 125 बढ़िया। वही बेवकूफी है, वही बेवकूफी है क्योंकि तुम लोग मूर्ख हो इसलिए समझते नहीं हो। समेशन सिंबल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले, तो क्या आएगा एनसीआर 1/2 की पावर आर प्लस समेशन एनसीआर 3/2 की पावर 2 आर। चमकता है, अरे हेलो आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रही है मुझे। हेलो आवाज आ रही है सर। मैं इसमें ये बोला इसको एनसीआर 1/2 की पावर आर प्लस एनसीआर 3/2 को लिख लो 3/4 की पावर आर। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ सर। हाँ सर। अब ये किसका समेशन है 1-1/2 की पावर आर, ये किसका है 1-3/4 की पावर आर? ये चमका। यस चमका। आप लोग बेसिक फॉलो नहीं करते हो, प्रॉब्लम है। 133 हो गया है। हाँ सर। हाँ सर। 136 हो गया है। यस सर। 133 के फर्स्ट में फिर मतलब नॉर्मल कर देना वो खोल के हल्का। नॉर्मल मतलब बेटा? सर मतलब स्क्वायर करके एक आर को अंदर डालने वाला। आर 133 में आर है ही नहीं है, बाहर में आर कहाँ है? नहीं सर वो बाइनोमियल हम मतलब दो है तो नॉर्मल जो करते हैं मतलब दूसरे वाले को दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपने कल पढ़ा है उससे जो दो दो वाला था पैर वाले का प्रोडक्ट वाले का मेथड से। हाँ। उसको फर्स्ट फर्स्ट पार्ट को वैसे नहीं कर सकते ना। मैंने मैंने 133 का सेकंड भी एक ही तरीके से बताया, दो तरीके कहाँ बताया मैंने उसका अभी? नहीं सर उसको मतलब बाइनोमियल को खोल के वो हम पावर निकाल सकते हैं। कौन बोल रहा है, क्या नाम है? मानस ओंटके। क्या बोल रहा है, कहां कौन सा इसमें? तो इसमें बाइनोमियल को खोल के पावर क्या बोल क्या रहा है? मैं चमकती है, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या बोल रहे हो बोलो, इसमें क्या बोल रहे हो तुम, कहां आर को एडजस्ट कर रहे हो? सर उसका आर टर्म लिखेंगे तो दो एनसीआर इनटू एनसीआर है ना। हां एनसीआर इनटू एनसीआर है। हां हां तो कल जैसे आपने पढ़ाया था उससे उससे मतलब लिख सकते हैं करने के लिए अगर करना ही। अरे भाई कहानियों में क्यों घुमा रहे हो, मेथड बताओ ना, क्या मेथड बोल रहे हो तुम, घुमा रहे हो मुझे यार। 5 मिनट हो गया, बताओ क्या बोल रहे हो बेटा, आप क्या बोलना चाह रहे हो, कैसे करूं? तुमने किया होगा ना, कैसे करना है बताओ मुझे। सर 1+x^2 हाँ मेरे को भी अभी चमक नहीं रहा है, मैंने कैसे किया था भाई डबल बाइनोम। तुम तो पहले बकवास किए कि आर को एडजस्ट करेंगे, कौन सा आर एडजस्ट होगा मुझे पता नहीं चल रहा है। Uh,
अरे क्लास खत्म करते जाके पहले कल का लेक्चर सुनो यार, क्या टाइम पास चल रहा है यहाँ पे? आरएच टर्म को बोल क्या रहा है बंदा यार, आर को एडजस्ट करनी, कौन से आर को एडजस्ट कर रहा है? अरे डबल बारहवें उसमें से नहीं चमका है क्या? अच्छे से चमका सर, वो मैं पूछ नहीं पाया अच्छे से, मैं करता वापस। क्या मतलब बनता है, इसलिए मैं ना ज्यादा तेज पढ़ाना पसंद नहीं करता हूँ, पता है समझ में? फिर आता नहीं है, फिर बाउंसर जाती है। ये काम करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, दिमाग खराब हो गया मेरा। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं बनता है पूछो मेरे से, और दोनों ग्रुप पे इनविटेशन डाल दो, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं कि आओ भैया क्लास में बैठो, ऐसा फालतू काम मुझे पसंद नहीं आते हैं। हाँ यार अच्छा खासा कल पढ़ाया था, मतलब बकवास कर रखी है यार। चलो भैया सॉल्व करो, मतलब ऐसा लग रहा है क्लास में किसी को समझ ही में नहीं आया है कल क्या पढ़ाया गया है, है कि नहीं सर? अरे आया है सर, कुछ नहीं आया है, समझ में? बकवास चल रही है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, सब डर के पूछ रहे हैं। अरे नहीं हुआ अच्छे से बोलो ना सर, वापस बता दो यार, वापस बता दूंगा यार। मुझे बस एक चीज से चिढ़ आती है, जो हीरोगिरी दिखाता है कोई, तो ये भी बन गया वही बना, बना कुछ नहीं है। हाँ यार क्या लिख रहा हूँ, दिमाग खराब हो चुका है। 11C2 12C2 हाँ आरफेज, हाँ सर। हेलो आरफेज, आप लोग तो बारहवीं का जो पीडीएफ भेजा है ना, खत्म कर दो उसको, अब खत्म कर दो, ठीक है? अभी समेशन का पार्ट काफी लेवल तक हो चुका है, ठीक है? ग्यारह में क्या 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 लिख रहा हूँ, 12C3 ठीक है सर। उसका डिस्कशन कब होगा? ग्रुप पे पूछते रहो ना भाई, ग्रुप पे पूछते रहो ना, ग्रुप पे बता दूंगा ना फटाफट। मुझे बताने में एक सेकंड लगता है यार, बताने का मन कर रहा हो मेरा तो, मैक्सिमम टाइम मन नहीं करता है, बट मैंने सुबह देखा बहुत देर तक बकवास चल रही है, फिर मैंने इब्राहिम को बोला भाई कॉल कर मुझे। 12C0 11C1 आई होप ये बन जाएगा क्वेश्चन, बनना ही चाहिए। तीन तीन के सेट में करे क्या? 10C0 BC1 10C1 BC2 जिसको नहीं समझ में आया है प्लीज फील वेरी फ्री टू आस्क मी यार। तो छह क्वेश्चन सॉल्व करो तो फटाफट। ये छह क्वेश्चन सॉल्व करो जरा सर, वो स्क्वायर है ना फिफ्थ वाले में, एनसीईआरटी। हाँ हाँ स्क्वायर है। नैतिक तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया था कि नहीं हुआ था? ये वाला बनमल वाला? हाँ सर हो गया था। क्वेश्चन बन गए थे सारे सर? सारे नहीं बने थे, अभी जो हिंट दिया उससे लगता है कब सारे बन जाएंगे। हाँ सर बन जाएंगे। चलो सॉल्व करो छह क्वेश्चन तो। छह क्वेश्चन है, आई थिंक 20 से 25 मिनट सफिशियंट होगा, उसके बाद फिर मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर दूंगा। कल क्लास का टाइमिंग क्या है? 8:45 नहीं तुम लोग की क्लास? अच्छा 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 अच्छा, तुम लोग का क्लास का शेड्यूल कैसा है बाकी सब्जेक्ट्स का? कल केमिस्ट्री का एक ही क्लास है 4:15 से 6:15। अच्छा
सर थोड़ा साइड
अरे हेलो, बन रहा है ना? हाँ सर।
हो गया सर, एक मिनट। तो 5 मिनट और ले लो। हाँ भाई, हुआ क्या? हो गया सर। ठीक है, मैं लाइन से सारे क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। इसको नहीं समझ में आया है, समझ सकते हो, इस साथ साथ कॉपी कर लो, अच्छा रहेगा, आपका नोट्स भी बन जाएगा और फालतू की कंफ्यूजन्स नहीं पैदा होंगी। ठीक है, कैसे करेंगे इसको बताओ एक बार। 1 + x^10 और दूसरी बार x + 1 की पावर 10 10c1x 10c2x स्क्वायर। ये क्लियर है?
तो दूसरी बार असेंडिंग पावर में क्या लिखा जाएगा, 10c0 x की पावर 10, 10c1 x की पावर 9, 10c2 x की पावर 8 वगैरह वगैरह, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को जो चाहिए हमारा क्वेश्चन, किसका कोएफिशिएंट है x की पावर, सबको चमक, सबको अगर ये स्टेप चमकता है तो आई एम सक्सेसफुल, ठीक है। x की पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए ना हमको, और यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या बना है, 1 प्लस x की पावर 20, तो इसमें x की पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 20c10। ये क्लियर है? इसका नहीं बना है प्लीज कॉपी कर लो, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो पूछ लो, लेकिन कॉपी कर लो इसको पहले। कॉपी कर लिया, हो गया। अरे तुम्हारा तो हो गया था, तुमने रब करवा दिया यार, किसी का नहीं हुआ होगा ना यार। 11c0 कैसे होगा, 1 प्लस x की पावर 11 क्या होगा, 11c0 11c1x बोलो, 11c2 x square and so on, 12c1 का क्या होगा, x plus 1 की पावर 12, 12c0 x की पावर 10, 12c1 x की पावर 11। अभी ढूंढो तुम्हारा क्वेश्चन किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर 11। तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर 11 का। ये बात चमकती है, तो यहाँ पर क्या बना, 1 प्लस x की पावर 23, ठीक है। तो इसमें x की पावर 11 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 23c11। जिसका नहीं हुआ है प्लीज कॉपी कर लो, जिसका नहीं हुआ है प्लीज कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए, जिसका नहीं हुआ है प्लीज कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए, किसी को कॉपी करना है तो बोलो, नहीं तो मैं रब कर रहा हूं। सर एक मिनट सर। हाँ हो गया सर। ठीक है, फिर है थर्ड क्वेश्चन, कैसा है, 11c0 12c0 माइनस 11c1 बोलो, 12c1 प्लस 11c2 12c2 माइनस 11c3 12c3, यही है ना क्वेश्चन। तो पहला सीरीज क्या लिख दे, 1 प्लस x की पावर 11। बिल्कुल सिंपल अप्रोच, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल अप्रोच रखना है, फालतू में झंझट नहीं करना अपने को। दूसरा वाला x माइनस 1 की पावर 12 क्या होगा, 12c0 x की पावर 12, 12c1 x की पावर 11, 12c2 x की पावर 10, चमकता है। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्या बनता है, हमारा क्वेश्चन किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर 12 का। हमारा क्वेश्चन किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर 12 का। ये बात चमकती है, तो हम लोग को x की पावर 12 कहाँ निकालना पड़ेगा, 1 प्लस x की, हाँ एक तो x माइनस 1 बच जाएगा और एक क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 11। ये बात चमकती है सभी को, yes। तो ये तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना अपन, तो क्या आता है, x की पावर 11 किसमें, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 11 और माइनस x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 11 किसका कोएफिशिएंट, x की पावर 12 का, बोलो हाँ या ना। यहाँ तो सारे इवन पावर्स आएंगे, x की पावर 11 एग्जिस्ट होने का चांस ही नहीं बनता है ना, और इस वाले से आएगा कितना आता है आंसर बताओ, 11c5। ये बात चमकती है क्योंकि माइनस x, क्योंकि क्या हुआ, मैंने लिखता मुझे नहीं आता है, x स्क्वायर का पावर क्या जमेगा अपने को, 6 ना, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ 5 आया तो यहाँ 5, ये बात चमकती है, कितना आंसर आ गया, 11c5। जिसको कॉपी करना है प्लीज कॉपी कर लो।
इसको कॉपी करना है प्लीज कॉपी कर लो। जिन लोगों को कॉपी करना है वो लोग कॉपी कर लो। x की पावर 12 का कोएफिशिएंट अपना आंसर है ना इसमें? हाँ हाँ ठीक है सर, कर लिया सर कॉपी। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? सिंपल चीज रखेंगे, सिंपल अप्रोच रखेंगे। दो सेकंड लगता है सीरीज से सॉल्व करने में, रब करें। हाँ सर। बाकी लोग ध्यान दीजिए, बोलते रहिएगा, ठीक है? अभी आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। 10C0 फोर्थ क्वेश्चन, बताओ क्या सीरीज लिखी जाएगी बेटा? 1+x^10 10C0 10C1x। आपको ना पहले तो आप तो एक्सपेंशन लिखना सीखो, ठीक है? और उधर क्या होगा? x+1 की पावर 20 20C0 x^20 20C1 x^19 20C2 x^18 ये बात चमकती है? तो आपका क्वेश्चन किसका कोएफिशिएंट है बेटा? x^19 का कोएफिशिएंट है ना आपका क्वेश्चन, है ना? आंसर क्या आएगा? आंसर 1+x^30 में किसका कोएफिशिएंट? x^19 का क्या होगा आंसर? 30C 19। ये क्लियर है? यस। कॉपी करिए, इसको कॉपी करना है कॉपी करिए, जिसको कॉपी करना है कॉपी करिए। क्लियर है क्या? यस सर। जी सर। जिन लोगों को कॉपी करना है कॉपी कर लिए। हाँ सर। ठीक है, आ जाओ फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाले में अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये डबल बायनोमियल कोएफिशिएंट तो है लेकिन साथ में कुछ मल्टीप्लाई भी हो गया है ना, आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर को एडजस्ट करना पड़ेगा। कल बताया था ना पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट तो 100 आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा? 9CR × 9CR। तो अपने को क्या सम निकालना है? CR-1 होगा ना? हाँ सॉरी, अपने को सम क्या निकालना है? 9C0 9C0 9C1 9C1। चमकता है, बिल्कुल सिंपल है। इतना सिंपल जानते हो, एक बात सुनो मेरी, तुम लोग पढ़ाई को इतना सिंपल क्या हो रहे हैं? वापस स्टेप बताइए ना, समझा नहीं। कौन सा बताओ सर? वही पहला वाला। ये वाला, ये तो बताया था ना कि R स्क्वायर है ना, तो R स्क्वायर को R × R लिख दिया। अब इसको एडजस्ट करना आता है ना हमको, R × NCR क्या होता है? N × N-1 CR-1 ना? हाँ सर। फिर ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बोलो? पढ़ाई जानते हो, पढ़ाई इतनी सिंपल लगनी चाहिए ना कि मतलब ऐसा एटलीस्ट मैथ्स होना चाहिए ना यार, जो सर ने पढ़ा दिया ना बस हो गया, बेसिक तैयार हो गया ना, अब हमको उस बेसिक पे अपनी दुनिया बनानी है। लोग बाग ना फॉर्मूले में खोने लगते हैं और फॉर्मूले सबसे खराब चीज होती है मैथ्स के लिए, IIT के लिए सबसे खराब चीज होती है फॉर्मूला। बोलो क्या आएगा? 9C0 9C0 9C1 9C x^9 है ना? Yes. ये बात चमकती है? Awesome. तुम देखोगे, मैं तो चाहता हूँ कि पेपर IIT का ना तूफानी टफ है, मुझे फायदा होता है, क्योंकि जब बहुत टफ आता है ना तो कोई फॉर्मूला लगता ही नहीं है, फिर बच्चों को मजबूरी में बेसिक लाना पड़ता है, बेसिक तो करते ही हैं। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 18C9। ये क्लियर है? अब इस वाले में क्या करना पड़ेगा बोलो? एक आर को, एक को 10CR में डाल दो तो क्या आ जाएगा? 10 × 9CR-1 और एक आर प्लस 1 को उसमें डाल दो, 11 से डिवाइड करें तो 11CR+1। ये बात चमकती है? यस। अरे भाई, ये सिक्स वाले क्वेश्चन का मैनिपुलेशन समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। तो जरा एक बार सीरीज लिखो तो मेरे साथ। 1 डालना है तो क्या बनेगा बेटा? 9C0 11C2 9C1 11C2। अभी सॉल्व कर सकते हैं ना इसको आप? बोलिए हाँ या ना।
अभी डबल बाइनोमियल समेशन की फील आई अच्छे से सबको फाइनली एक बार वापस से? यस सर। यस सर। सभी को क्लियर अच्छे से ये? क्लियर है सर। यस सर। चलिए रब कर कॉपी करें, सो कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। कोई मुझे एग्जाम्पलर एनसीईआरटी डिस्कस करना है कि एग्जाम्पलर डिस्कस करना है? आपने दोनों बोला था। दोनों बोला था तो ठीक है। तो मेरे लास्ट क्लास में एग्जाम्पलर बोला था पीएनसी का, मतलब डिस्कस करेंगे आज। दिया था क्या बोला था? क्या बोला था आपने? बहुत पहले दिया था एग्जाम्पल, लेकिन आज डिस्कस करने के लिए आपने एग्जाम्पलर बोला था। सर वो दोनों हो गया ना, एनसीईआरटी में वैसे भी आपने बोला था किसी को डाउट नहीं आएगा, तो वो भी डिस्कस कर ही लेते ना। हाँ तो मैं तो डाल ही रहा, मैं तो उसके लिए मुझे पीडीएफ लगेगी ना, कोई पीडीएफ भेजो मुझे। हाँ सर एक मिनट। कोई एक बंदा भेजना, 10 लोग मत भेजना, डाउनलोड नहीं होता है फिर, या मैं ही खोल लेता हूँ, रुक जाओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीएम इसका, ये तो पूरा किया है ना बेटा, क्या नाम है कीर्ति? हाँ सर एग्जाम्पलर हो गया। चलो उसका मुझे तुम, हाँ चलो मुझे पीडीएफ भी मिल गया, बढ़िया। चलो मुझे पीडीएफ ही मिल गया। हाँ चलो बोलो। चलो अपन एग्जाम्पलर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम्पलर के सबसे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं? एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो बस कीर्ति करती है क्लास में। ठीक है चलो, कौन सा? थर्ड एग्जाम्पल। सर आपके पास आंसर्स है क्या? मेरे पास एग्जाम्पलर आंसर्स भी है क्या? आंसर है क्या एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस का पीएनसी के? आंसर होता ही है ना एग्जाम्पलर के आंसर, तो कहाँ होता है बताओ बच्चों? मतलब मेरे पास नहीं था, मेरे पास सिर्फ वो पीडीएफ था एग्जाम्पलर। मेरे पास भी चैप्टर का पीडीएफ है, बाकी लोग आंसर कैसे चेक करते हैं एग्जाम्पलर में, कहाँ रहता है एग्जाम्पलर बताओ? है उसमें सॉल्यूशन, मेरे वाले में है। तो ऑनलाइन तुम सॉल्यूशन वाला खरीद लियो क्या? नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कीर्ति, तुम आंसर कहाँ चेक करती हो? सर मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है जिसमें आंसर का अलग से एक है। सर मैंने भी आंसर्स का अलग पीडीएफ होता है, पूरा आंसर्स का अलग पीडीएफ होता है साइट पे। गुड, ठीक है। आंसर्स का पीछे भी तो होता है। हाँ वही 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 बोल रहा हूँ मैं तो, लेकिन कैसे है कि ऑनलाइन साइट पे जाएगी ना एनसीईआरटी के, तो हर चैप्टर का पीडीएफ 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 है, ठीक है। और बाद में क्या है उसके मतलब वो सॉल्यूशन के साथ एक पीडीएफ था, तो मैंने नहीं किया। मैंने नहीं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का, एनसीईआरटी के साइट पे जाओगे वहां पे लास्ट चैप्टर में आपको दिख जाएगा सॉल्यूशन आंसर, सॉल्यूशन नहीं रहता एग्जाम्पलर का एनसीईआरटी की साइट। अब चलो बोलो कौन सा करना है? थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डायग्राम बी कलर्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस? ईच ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल्स बी पेंटेड विथ वन ऑफ द थ्री कलर्स रेड ब्लू ग्रीन। No two adjacent have same color. No two adjacent have, जानते हो ये इतना सिंपल, सबको लग रहा है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जेई ने पूछा था एक बार क्यूब बना के, और एक बार आरएमओ में आया था क्वेश्चन, इस पे बहुत पहले आया था ये रूबिक क्यूब बना के, ठीक है। दैट इज हाउ क्वेश्चन टफ हो जाएगा ना, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही रहता है। मैं कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन, आई थिंक आर वाले बच्चों को ध्यान होगा वो क्यूब वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन वही रहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन द डायग्राम बी कलर्ड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टू कंडीशंस? ईच ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज पेंटेड विथ वन ऑफ द टू कलर्स रेड ब्लू ग्रीन। नो टू एडजेसेंट रीजंस हैव सेम कलर, ठीक है। सर वो दोनों कंडीशन एक साथ लगाना है ना? हाँ तो मुझे बताओ बीच वाले में भरने का क्या ऑप्शन है, और बीच वाले में भरने का क्या ऑप्शन होगा बताओ? तीन क्या है? रेड ब्लू और ग्रीन। चलो रेड भर दिया। अब रेड भरने के बाद इसको 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 भरने कितने ऑप्शन है?
दो ऑप्शन ही है, दो दो दो, ठीक है हाँ। कितने आ गए, आठ। अब रेड की जगह ब्लू आ गया, वापस से दो दो दो, कितने आ गए आठ। ग्रीन आ गया, दो दो दो, कितने आ गए आठ। क्लियर है बेटा? यस सर। अब क्वेश्चन तुम ये पूछ सकती हो मुझसे, तुम लोग क्वेश्चन पूछने नहीं आता है, क्वेश्चन ये पूछना चाहिए तुम लोगों को, सर बी चला क्यों भरा, साइड वाला भरेंगे तो एलसीएम आ सकता है, साइड वाला भरेंगे तो प्रॉब्लम है, साइड वाला भरेंगे तो प्रॉब्लम है, बिकॉज क्या नहीं होगा, सिस्टम जो होगा, पीएनसी की काउंटिंग में क्या सिखाया मैंने आपको, जो आप केसेस बनाओ उसमें क्या हो, बाउंड्रीज हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे आरबीजी की बात करूंगा और मैं कहूंगा चलो यहाँ भरने के तीन ऑप्शन, यहाँ भरने के दो, ऐसा नहीं नहीं बनेगा, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, यहाँ भरने के तीन ऑप्शन, यहाँ भरने के दो ऑप्शन, अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। अब यहाँ और यहाँ भरने कितने ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन रहेगा सर। हाँ आओ देखा जाए, ये मजेदार होगा ना यार, मान लो इसको भरने के तीन ऑप्शन बोले ना मैंने, तीन ऑप्शन क्या भरा, आर बी जी, लेट से कि आर चला गया, अब इसके लिए क्या ऑप्शन बचा है, बी आर जी, दो ऑप्शन बी या जी, है ना। अब जो भी यहां पर आएगा वो यहां और यहां नहीं आएगा, हाँ लेकिन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा ना ऑप्शन में, इसको भरने के ऑप्शन में आर आर तो पैदा हो गया ना, और इसमें से एक बचा हुआ, इसमें से एक बचा हुआ आ गया ना यहाँ पर, यहाँ पर, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ। अरे बेटा हाँ या ना। हाँ सर। ये तो कितना ऑप्शन आया, 3 × 2 × 2 × 2, वापस से कितना आया, 24। तो ये सब क्वेश्चन पूछना सीखो, सर आपने यहाँ भरा ना, मेरे को यहाँ भरने का, मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ज्यादा सोचना पड़ेगा, ये बात क्लियर है क्या। हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। एट्थ वाला, इसमें क्या दिक्कत है, ये तुमने किया था ना इतना सारा, एम मेन है इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, और एन वुमेन है, तो किसको साथ नहीं बैठना है, किसको साथ नहीं बैठना, हमने दो तरीके से किया था, तो किसको साथ नहीं बैठना है, बोलो वुमेन को ना, तो वुमेन कहाँ बैठेगी, इनके बीच, वुमेन कहाँ बैठेगी, दो मेन के बीच, क्या इसमें बैठेगी, तो मेन के कितने ऑप्शन आ गए, एम मेन्स भर दिए हमने, हाँ। तो मेन को हाँ। बैठाने कितने ऑप्शन है, एम फैक्टोरियल, अब कितनी वुमेन है, कितने स्पेसेस हैं, एम प्लस वन, तो पहली वुमेन के पास कितना ऑप्शन है, एम प्लस वन, दूसरी वुमेन के पास एम, ऐसे जाते 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 वन, तो ये क्लियर है गलत है, इसलिए मैं बोला कि यहाँ पर एम जो है ग्रेटर है ना वुमेन से, की लेसर है, बड़ा ग्रेटर है, ये सिस्टम है, चलो एम वन एम टू से लेके एम टेन तक गए, ठीक है, तो मेन को बैठाने के 10 तरीके, अब वुमेन को बैठाने के कितने तरीके है, पहली वुमेन के पास कितने ऑप्शन है, सर 11 ऑप्शन होंगे, 75, पहले वुमेन के पास कितने ऑप्शन है, 11 ऑप्शन, अबे 11 ऑप्शन है ना, हां सर 11, दूसरी वुमेन के पास सर 10, तीसरी के पास 9, चौथी के पास 8, लास्ट के पास 7, ये बात चमका क्या, हाँ। तो मैं क्या करना सिखाया आपको, हमेशा कंबाइन करना सिखाया, 6 फैक, ये बात चमकती है क्या, आंसर आ गया 10 फैक 11 फैक बाई 6 फैक, ये तरीका चमकता है, यस सर,
अब इसमें आप कंफ्यूज होते हो कई बार, इसलिए मैं मेथड टू सिखाता हूं हमेशा, कि पहले आप मेन को बैठा दो कितने तरीके से, अभी कितने स्पेस बन गए, 11, कौन बैठेगा उसमें, 5, तो उसके लिए वुमेन के लिए क्या चाहिए, 5 जगह, यस 11 सी 5 इनटू, तो 5 जगह चुन लिए, अब 5 जगह में किसको बैठाना है, 5 वुमेन को, नंबर ऑफ तरीका 5, मेरे को मेथड 2 ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं हमेशा सर, बोलो, अब ये मत बोलना से 11C5 × 5 × 11P5 ही तो है, ये मत बोलना, नहीं सर, सर ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, पहले मेन और वुमेन को बिठाने के सारे तरीके ढूंढ के फिर जितने, इसने बोला है नो टू वुमेन, मैंने बोलू नो टू वुमेन वर्सेस नॉट ऑल वुमेन, दोनों में डिफरेंस हमेशा ध्यान रखो, नो टू वुमेन वर्सेस नॉट ऑल वुमेन, जो तुम कह रहे हो वो नॉट ऑल वुमेन के लिए ट्रू है, ठीक है, यस सर, नेक्स्ट बोलो, 12 एग्जांपल, बोलो बोलो बोलो, चलो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं अच्छे से, काफी अच्छे एग्जांपल्स होते हैं एग्जांपलर में, बोलो भाई और बोलो, 12 कौन, 10 कौन सा, 10th 12th वाला, ये ना नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम सच दैट टू स्पेसिफिक, सो द टू स्पेसिफिक थिंग्स अकर टुगेदर, क्या दिक्कत है यार, 10 n चीजें हैं, कमान यार, n चीजें हैं, उसने बोला दो चीजों को साथ आना है हमेशा, ऐसा क्वेश्चन ने बहुत सारा किया, a1 से an है और क्वेश्चन ने बोल दिया कि दो स्पेसिफिक चीजों को साथ आना है, जब दो स्पेसिफिक या दो पर्टिकुलर बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, वो ऑलरेडी फिक्स हो गया, वो ऑलरेडी बोलो भाई फिक्स हो गया, अरे भाई बताया था ना पहले दो पर्टिकुलर दो, उसमें नहीं बताया था, तो दो फिक्स हो गए ना, A1 A2 साथ है मान लो, और A3 से लेके कौन कौन अलग अलग है फिर, An है ना, एज अ होल सिस्टम में कितनी चीजें हैं, N-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टर, उन्होंने जो एग्जाम्पल में सॉल्यूशन दिया वो नहीं समझा सर, अच्छा नहीं, इसमें एक और प्रॉब्लम भी तो है, आर थिंग्स को अरेंज करना है ना, बस मैंने एन थिंग्स को अरेंज किया ना, क्वेश्चन ने क्या बोला है, आर थिंग्स को अरेंज करना है ना, हाँ सर, क्वेश्चन के हिसाब से हमें कितने चीजों का अरेंजमेंट करना है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से कितने चीजों का अरेंजमेंट करना है बे, आर थिंग्स का ना, हाँ सर, तो हमारे पास दो चीज तो पहले से सिस्टम में आ गई है, तो आर चीज लाने के लिए हमको और कितने चीजें लगेंगी, यहां बताओ, हम लोग को आर थिंग्स चाहिए ना, दो चीज आ गई है और कितने चीजें लगेंगी, आर माइनस, आर माइनस कहां से आएगा, N-2 में से R-2 चीज ले आए और यहाँ पे डाल दिए, अब कितना चीज हो गया यहाँ पे, आर, अरे आर चीज आ गए ना, लेकिन ये तो बंडल है ना, आर माइनस होल, एज अ होल यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है बताओ, R-1 पे तो R-2 चीजें एज अ होल, कितने ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, R-1 उसको अरेंज कर दिया, और अब A1 A2 का इंटरनल अरेंजमेंट, A1 A2 का इंटरनल अरेंजमेंट, इतना क्लियर है क्या, हाँ सर, नेक्स्ट बोलो, 10 इन अ स्मॉल विलेज 87 फैमिलीज 52 हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, क्या दिक्कत है इसमें, कंफ्यूजन क्या है, आंसर आ गया मेरा पर मैंने एक और इस करने का ट्राई किया तो उससे क्यों नहीं आ रहा था वो नहीं पता,
क्या बोल रहे सर? मैंने और एक किससे किया तो उससे क्यों नहीं, क्या गलत है उसमें वो पूछ। बताओ क्वेश्चन, बताओ बताओ बताओ, मैंने दो मिनट में क्वेश्चन समझने दो। 87 फैमिली है, 52 में लेस देन इक्वल टू 2 चाइल्ड है, और बाकी में क्या है? बाकी में क्या है फिर? 35 फैमिली में बाकी में क्या है भाई? ग्रेटर देन 2 चाइल्ड है ना, ऐसा ही मानना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 20 फैमिली को चुनना है, एटलीस्ट 18 में एटमोस्ट 2 चिल्ड्रेन हो। बाकी में कितने भी हो सकते हैं? हाँ, बाकी में 2 से ज्यादा होंगे ना, बाकी में 2 से ज्यादा। अगर एक सेट में लेस देन इक्वल टू दिया है तो बाकी में तो 2 से ज्यादा होंगे ना। क्लियर है? अरे भाई डाउट जो है क्लियरली पूछो ना बेटा, क्लियर है? हाँ सर। सर मैंने पहले 52 में से 18 फैमिली के लिए लिया, और 18 गया तो फिर 87 माइनस 18 किया तो 69 में से मैंने दो लिया, मतलब दो लिया। रिपीटेशन होगी, रिपीटेशन हो जाएगी, वही वापस से वही रिपीटेशन जो विदुषी ने 2 दिन पहले ही बोला था, जो अगले दिन भूल गई थी। तुम 52 सी 18 लिए, ठीक है, तो और तुम बाकी वापस से 2 फैमिली लिए, ठीक है। अब 52 सी 18 में ये पॉसिबल है कभी A1 A2 आया होगा फैमिली, और कभी ऐसा पॉसिबल है जब A1 A2 नहीं आया होगा यहाँ पे, लेकिन 69 वाले सेट में आ गया होगा। नहीं समझे? तुमने जब 52 सी 18 किया, ठीक है, तो पॉसिबल है ना कि यहाँ पर A1 फैमिली आई होगी एक बार। भाई बाबा, यू व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन देन यू नीड टू स्पीक अप यार। फैमिली 1 आई होगी, नहीं आई होगी? हाँ सर। और 52 में से हटा दो तो 35 सीट 2 कर लिया आपने, ठीक है। 87 में से हटाया मैंने। हाँ यार, तो 52 सी 18 या 35 सी 2 किया ना, क्या बोल रहे हो? मैंने 87 में से 18 हटाया। 87 में से हटाया, हाँ हाँ। 69 सी 2। अब यहां से मान लो कभी F2 फैमिली आ सकती है, नहीं आ सकती है, जो कि इसको सेट को बिलोंग करता हो, F1 से लेके F52, है ना। तो कभी F2 यहाँ आ सकता है और F1 यहाँ पर। हाँ, और कभी ऐसा पॉसिबल है कि F2 यहाँ से आया हो और F1 यहाँ से, है ना। तो ओवर काउंटिंग हो गई ना, क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ सर, एग्जांपल 18 एक बार एक्सप्लेन कीजिए। कौन सा 18? 18th वाला? हाँ ठीक है। तुमने ऐसे सिखाया, वैसे तुमने सीखे नहीं, मुझे लगता है तुमने बस टाइम पास में सीखी। थोड़ा सा और ध्यान से जीता। इन एन एग्जामिनेशन 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, सबके चार चार ऑप्शन है। हमेशा फिगर बनाओ, हमेशा विजुअल विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या करना है इसमें? क्या ट्री से हो जाएगा ना इसका? सब सारा क्वेश्चन पीएनसी में ट्री से होता है बेटा। नंबर ऑफ वेज इन ए स्टूडेंट विच स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर्स करेक्ट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का कितने तरीके में ऑप्शन कर सकता है बेटा? कीर्ति, पहले क्वेश्चन का बंदा कितने तरीके में ऑप्शन टिक कर सकता है? 4 वेज में सर। क्वेश्चन 2 का? 4 वेज में। क्वेश्चन 3 का? 4। तो एज अ होल कितने ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं? 64 है। इसमें से एक ही ऐसा ऑप्शन होगा ना जब सही 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 हुआ होगा। हाँ। तो कितने तरीके में, तो एक ही ऑप्शन सही 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 वाला है ना, तो बाकी 63 ऑप्शंस कैसे होंगे?
से एक गलत निकल सकता है तो नेक्स्ट बोलो सर एक्सरसाइज रुको पहले एग्जांपल 19 बोलो क्लियर है यहाँ तक हाँ सर आउट है 19 मतलब समझा नहीं अच्छे से स्ट्रेट लाइन्स L1 ये एक लाइन है L10 ये एक लाइन है L20 ये एक लाइन है L30 ठीक है इस पे M पॉइंट्स हैं A1 A2 A3 कहां तक पॉइंट्स हैं AM तक L2 पे कितने पॉइंट्स हैं Endpoint. यार भाई कोई बोलता नहीं है यार मतलब क्या पढ़ा रहा हूँ मैं यार मजा नहीं आ रहा और L3 पे यहाँ तक क्लियर है अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ट्रायंगल बनाओ जी है जी तो ट्रायंगल कैसे बनेगा जी बताइए दो तरीके से बता सॉल्व कर सकते हैं मेथड वन ट्रायंगल कैसे बना है कितने पॉइंट्स हैं सिस्टम एज ए होल एम प्लस एन प्लस के सी थ्री इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स देंगे कब कब प्रॉब्लम आएगी जब एक ही लाइन पे गिरेंगे तो माइनस एम सी थ्री माइनस एन सी थ्री माइनस के सी थ्री मेथड वन मेथड टू क्या हो सकता है वो लंबा हो सकता है कि इस पे एक पॉइंट इस पे एक पॉइंट इस पे एक पॉइंट और ये अज्यूम करना है इसमें से कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये बात चमकती है मेथड टू क्या हो सकता है यहां से एक 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 और क्या हो सकता है एक दो जीरो दो एक जीरो जीरो एक दो जीरो दो एक एक जीरो दो जीरो एक ये बात चमकती है आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अरे चमका करी चमका है क्या लिखा मैं यस सर यस ऐसे ऐसे करोगे तो क्या होगा MC1 NC1 KC1 प्लस MC1 MC2 KC1 प्लस MC2 प्लस सॉरी MC1 प्लस ये वाला बोलो यहाँ ये लिख दिया ये लिख दिया ये बोलो KC2 प्लस NC2 KC1 प्लस MC1 है जी MC1 NC1 हाँ MC1 हाँ KC2 हाँ प्लस MC2 KC1 हाँ ये बात चमकती है क्या हाँ सर ये मैं दो दो मेथड से क्यों करके दिखा रहा हूँ बिकॉज पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न का हो गया है ठीक है कई बार कैसा होता है ये ऑप्शन ए रहेगा और ये ऑप्शन बी रहेगा आप ऐसे करके गलत करके आ जाओगे चार मार्क्स आने की जगह -2 हो जाएगा ठीक है इसलिए मैं आपको हर तरीके से करके दिखाना चाह रहा हूँ इतनी चीज क्लियर है क्या हाँ सर हाँ 1-1 का मतलब हर एक लाइन से एक एक पॉइंट लिया ना हाँ बेटा सर लेकिन उससे ट्रायंगल कैसे बनेगा अरे अच्छा नाला है अरे इतना क्लियर है क्या हाँ सर अरे नहीं भाई 2^3^4^5² का 1/2 करोगे पावर कोई भी होना चाहिए नंबर को थोड़ा नहीं बनाना चाहिए पावर कोई भी होना चाहिए अरे यहाँ तक क्लियर है क्या सर ये कॉपी कर ले एक मिनट हाँ कॉपी कर लो इसको
सर आप थोड़ा साइड में हो सकते हैं। कॉपी कर लिए? नहीं सर एक मिनट। देखो बस आंसर लाने के लिए मत सॉल्व करो और ये मत सोचो कि बहुत सिंपल चीजें करा रहा हूं मैं, सिंपल चीजें नहीं करा रहा हूं भाई, प्लीज ध्यान रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, बेसिक स्ट्रांग होता है, बेसिक चीज अगर इमेजिन कर सकते हो टफ चीज इमेजिन कर सकते हो। कॉपी कर लो। हो गया सर। ठीक है इतना ही करेंगे अभी, कल के लिए फिर अपन जो एग्जाम, सुनो बात भागना मत, पहले बात सुनो, एग्जाम्पलर में जो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं उसको वापस से अटेम्प्ट करो। ओके एग्जाम्पलर और हॉल नाइट ना, वो दोनों कल डिस्कस कर लेंगे, जो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो वापस से अटेम्प्ट करिए। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। इतनी बात चमकती है? सर कल आप हॉल एंड नाइट डिस्कस कर रहे हो, कल एग्जाम्पलर हॉल एंड नाइट और बायनोमियल के क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है सर। अब एक सिंपल सी चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। ठीक है बहुत सिंपल चीज। देखो कैसा होता है ना कि अलाइक चीजों को कुछ लोगों में बांटना, समझे आप क्या कह रहे हैं? बोलो। यस यस नहीं समझ में आएगा, अच्छे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा फॉलो करने ट्राई करो। कल इसका एक सेम क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था? पांच डिफरेंट बॉल और तीन डिफरेंट बॉक्सेस, डिफरेंट बॉक्स। तो हमने उसमें बड़े आराम से दो केस बना लिए थे, 1-3-3 और सॉरी 1-1 और 3 और 2-2-1 वाले, है ना, और फिर ग्रुपिंग कर दिए थे। ग्रुपिंग को कर पाए थे क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, पांच डिफरेंट बॉल्स थे गधे और 3 डिफरेंट बॉक्सेस, तो ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट थे। ठीक है, अब जब अलाइक चीजों को कुछ लोगों में बांटना होता है ना, तो डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे होगी? क्वांटिटी, ओनली क्वांटिटी। ये बात चमकती है? अरे बोलो भाई। यस सर। हां सर। तो मेरे को अगर ऐसा मानो कि 10 अलाइक बॉल्स को राम श्याम घनश्याम में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करो तो प्रॉब्लम है ना। आपको क्या नहीं मालूम है पहले से, आप समझे नहीं ना क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं। सुनो एक दो मिनट शांत रहो, मैं समझा रहा हूं ना। आपने यहां पे बड़े आराम से दो केस बना लिए थे ना, 1-1-3 और 2-2-1, है कि नहीं? बट अब यहां पर तो दिक्कत है ना, बहुत ज्यादा केस बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बताओ कब पढ़ाया हमने टॉपिक? आर फेज नहीं बोलेगा, ए फेज बताओ कब पढ़ाया ये टॉपिक हमने? पढ़ाया ये। मैं आपको हिंट देता हूं, लेट नंबर ऑफ बॉल्स रिसीव्ड, ध्यान देना, रिसीव्ड बाय राम बी आर, नंबर ऑफ बॉल्स रिसीव्ड बाय श्याम बी आर, अरे यार बी एस, नंबर ऑफ बॉल्स रिसीव्ड बाय घनश्याम बी ए जी, क्या इक्वेशन है? आर बायनोमियल में किया था। आर प्लस एस प्लस जी इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा? टेन।
अरे बोलो बेटा क्या होना पड़ेगा, 10। अब जहां पे r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके 10। s की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके 10। g की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके 10। क्या ये बात समझ में आती है? हां सर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बताओ? पावर से रिप्लेस करते हैं ना, a नॉट प्लस a वन प्लस a टेन के पावर। कल ये कंसेप्ट वापस से रिवाइज करें, क्लास में आइएगा। इसका कोएफिशिएंट चाहिए a की पावर 10, याद आ रहा है? हाँ सर। 1-11 का पावर कुछ भी याद आ रहा है क्या? एटलीस्ट टॉपिक याद आ रहा है? हाँ सर। यस। अभी मैंने क्या बताया था, जब इंटीजर पावर्स होते हैं तो हमेशा उसको एक्सपेंड कर देना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? ये बताया था सर। एक बार कल क्या करके आओगे इस चीज को? रिवाइज। क्योंकि अगर तुम रिवाइज नहीं करके आओगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम सबको याद होगा, नॉट पॉसिबल। क्या होता है आंसर? 1-x^n में x की पावर r का कोएफिशिएंट क्या होता है? n plus r minus 1 cr। अबे हाँ या ना बे? हाँ सर। Yes। आप चाहो ना तो यहाँ भी निकाल सकते थे। ये जो दो केस आए ना, वो बड़े इजीली आप चाहो तो बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 2 प्लस बॉक्स 3 इक्वल टू क्या, 5 है ना। अब जहां पर बॉक्स 1 के लिए क्या सीरीज यूज, यहाँ पे सीरीज क्या यूज होगी, हर बॉक्स में एक चाहिए ना, तो आप सीरीज क्या यूज करोगे, का पावर क्यूब। ये बात चमकती है, किसका कोएफिशिएंट चाहिए, ए की पावर 5 का। ए क्यूब तो बाहर निकल गया ना पहले ही, तो किसका कोएफिशिएंट चाहिए, ए स्क्वायर का। अरे कुछ भी चमक रहा है क्या? यस सर। मैं उम्मीद कर सकता हूँ ना कुछ चमक रहा होगा? हाँ सर। अरे यस। अरे भाई लोग चमक रहा है, नहीं चमक रहा है? तो कल आप इस चीज को रिवाइज करके आए कोएफिशिएंट देखने वाले को। आप बस ये समझो टॉपिक क्या था, अलाइक चीजों को कुछ लोगों में बांटना। अब भाई ऐसा है कि कुछ दुनिया में स्मार्ट लोग होते हैं, ठीक है, तो अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो मैं बहुत टाइम पास करता हूँ इस टॉपिक पे, ठीक है, सदियों तक पढ़ा सकता हूँ। मैं कहता कि मेरे को नहीं करना है, इससे मैं हाथ से काउंट कर दूंगा इसको, मैं सिमेट्रिक काउंटिंग करता हूँ। कैसे करूंगा बताओ, मेरे को 10 बनाना है ना 10। लेकिन ये मेथड कब एप्लीकेबल होगा, ऑनली इन छोटा क्वेश्चन। कैसे होगा बोलो, लिखो ना सारा, एक सबसे बड़े को लिख दो, 10 दे दो, ध्यान देना, अब मजाक नहीं, मजाक बिल्कुल नहीं, 10-0-0 पॉसिबल है? बाद में अरेंज करेंगे, पहले 10-0-0 पॉसिबल है? फिर मैं आर से एक दिया, इसको एक, इसको जीरो, पॉसिबल है? यस बेटा बोल दो, 8-2-0 पॉसिबल है? हां सर। 8-1-1 पॉसिबल है? यस सर। 7-3-0 पॉसिबल है? यस सर। 7-2-1 पॉसिबल है? हाँ ना। हां सर। और क्या पॉसिबल है, 6। मैं इधर लेफ्ट साइड के जो राइट साइड में वेरिएबल्स रहेंगे ना, उसको मैं ऐसे रखता हूँ कि पीछे वाले से हमेशा छोटा हो, ताकि कंफ्यूजन नहीं हुई काउंटिंग करने में। 6-4-0 यस सर। 6-3-1 6-2-2 और बोलिए 5-5-0 समाप्त। अब इसके आगे आप 5-4 लिख सकते हो? हाँ। 5-3-2 लिख सकते हो? यस सर। अगला 4-4-2 चलेगा? हाँ। और क्या होगा बोलो? 4-3-3 और क्या होगा बोलो लास्ट? 3-2 ना 4-1-5 नहीं बेटा खत्म हो गया। ये चमकता है। अब इसको मैं अरेंज कर दूंगा, 10-0-0 को अरेंज करो। कैसे अरेंज होगा, तीन डिफरेंट जगहों में, 3 फैक बाई 2 फैक 9-1-0 चमक रहा है। मैं क्या कर दिया, 3 फैक से 9-1-0 का मतलब क्या होगा, आर एस जी में बांटने के लिए 9-1-0 का 6 तरीका होगा ना, 9-1-0 9-0-1 1-9 चमक रहा है। yes, कितना होगा 3 फैक, ये कितना होगा 3 फैक बाई 2 फैक, ये कितना होगा 3 फैक,
ये कितना होगा थ्री फैक्ट, कितना होगा थ्री फैक्ट, कितना होगा थ्री फैक्ट, क्या होगा थ्री फैक्ट बाई टू फैक्ट, थ्री फैक्ट बाई टू फैक्ट, थ्री फैक्ट, थ्री फैक्ट, थ्री फैक्ट बाई टू फैक्ट। अब ये मेथड कब लगा सकते हो, जब ये दस तक है ना, अगर ये सौ हजार पहुंच गया, सौ हजार तुम सम निकाल लो यहाँ, सॉल्व करके देखना और यहाँ से देखना, सेम आंसर आएगा। ये आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। ये बात सर, थ्री टू थ्री भी तो आएगा ना, कौन सा थ्री टू थ्री, थ्री टू थ्री जरा जोड़ बेटा, थ्री टू थ्री का सम कितना होता है रे, एटी होगा, टोटल दस बॉल लेना, तो थ्री टू थ्री दस होता है रे। हाँ सॉरी सर, पानी है घर में, चुल्लू भर पानी निकाल, डूबो उसमें, ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या इस मेथड में, आप समझ में आया क्या किया मैंने, काउंटिंग का बहुत ही अच्छा मेथड मानता हूं मैं इसको अपने लिए। मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम चीज यहाँ दे के फिर डिस्ट्रीब्यूट करते रहता हूँ। ये बात चमकती है, बट ये कब अप्लीकेबल होगा, कम चीजें होंगी, या कब अप्लीकेबल होगा, जब कंडीशन अजीबो गरीब हो जाए कि भैया ऐसा है कि आर को बस इवेन मिलेगा, श्याम को बस थ्री का मल्टीपल मिलेगा, घनश्याम को कुछ भी मिलेगा, तो फिर यहाँ पे मर जाएंगे ना अपन सीरीज लिखने में फालतू की। ये बात चमकती है, बोथ मेथड्स यू शुड बी एबल टू सॉल्व। ये क्लियर है क्या? Yes. इस मेथड का यूज समझ में आया कि मैं आर एस जी पे ना बेकार कंडीशन लगा के बैठ जाऊं ताकि आप सीरीज से सॉल्व मत कर पाओ। ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. जी एडवांस में क्वेश्चन कभी आएगा जिंदगी में इस कंसेप्ट पे बेस्ड, तो हमेशा इस काउंटिंग से ही सॉल्व होगा, आज उनको मालूम है कि बच्चों को फॉर्मूला भी याद कराया जा चुका है। ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये टॉपिक का नाम क्या है, अलग चीजों को कुछ, अगर डिफरेंट चीजों को कुछ लोगों में बांटना होगा तो डिफरेंट बांटने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐसे केस निकालने पड़ेंगे और फिर उनका ग्रुपिंग करना पड़ेगा। चमक रहा है ना, यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं करनी पड़ती ना, क्यों नहीं करनी पड़ती, अरे भैया बॉल अलाइक है ना, तो चार बॉल किसी को मिले का ही अंतर पड़ता है। ये बात चमकती है। लेकिन अगर बॉल्स डिफरेंट होंगे तो कौन से चार बॉल मिलेंगे, उसका अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अरे बोलो भाई, पड़ेगा, भूख लग रही है यार बहुत यार, क्लियर है क्या? चलो ठीक है, फिर आपका होमवर्क क्लियर। आपका होमवर्क क्या है, एग्जाम्पल में जो डाउट्स हैं वापस सॉल्व करिए, डाउट्स हैं वापस सॉल्व करिए, हॉलनेट अच्छे से सॉल्व करिए, और कल ये बहाना नहीं चाहिए कि हमने होमवर्क नहीं किया, कल तीनों होमवर्क हम डिस्कस करेंगे। yes, ये चमकती है सर। ये मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करेगा ना ये मेथड, मतलब जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए आपको ये बता के दे देगा ये कितना केस पॉसिबल है, उसके बाद उस केस को नंबर ऑफ वेज में बांटने के लिए आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। हाँ सर समझा। और सर हॉल एंड नाइट का जो होमवर्क है वो हम लोग को भी करने का, मतलब ये तुम स्पेशल हो, तुम स्पेशल हो, नहीं मतलब क्या है होमवर्क पता नहीं सर, हॉल एंड नाइट का क्यों आप अपने हमें नहीं बताया, अबे कल क्लास में अनाउंस नहीं किया था क्या मैंने होमवर्क, क्लास टू लास्ट क्लास में किया था, वेडनेसडे को बोला था, तो वेडनेसडे को नहीं आया था प्रश्न में, तो हम क्या कर सकते, वेडनेसडे को बोला था मैंने, क्या होमवर्क दिया था यार हॉल एंड नाइट से बताओ, 11th A, 11th B, 11th B, come on यार, आप क्लास में प्रेजेंट आपको कर, आपको होमवर्क नहीं मालूम है, मजाक चल रहा है, 11th A, 11th B होमवर्क था कि नहीं था हॉल एंड नाइट का, था सर, फिर चलो बाय, कॉपी कर लिए इसको, नहीं सर, कॉपी करिए, प्रथमेश से आपको होमवर्क नहीं मालूम था हॉल एंड नाइट का, नहीं सर मेरे को नहीं मालूम था, मैंने पूछा भी था पर नहीं मालूम था मेरे को, कैसे बेटा आप तो क्लास में थे उस दिन, एक क्लास में नहीं था मैं, मैंने रिकॉर्डिंग देखा तो उसमें रिकॉर्ड नहीं हो गया था होमवर्क, तो इसलिए मेरे को मालूम नहीं था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था होमवर्क, हाँ मतलब लास्ट में मतलब थोड़ा बहुत ये हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हो गया होमवर्क, अरे ऐसे थोड़ी होता है सर, क्लास के बीच में आपने वो होमवर्क दिया, वही
कॉपी कर लिए प्लीज। हॉल नेट का होमवर्क ना थोड़ा टाइम देके करना, ठीक है? बस आंसर लाने के लिए मत करना। ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर, ठीक है। कल अपन ने डिस्कस करेंगे और फिर डीअरेंजमेंट, मतलब डीअरेंजमेंट नहीं, एक दो तीन इंटरेस्टिंग काउंटिंग करके दिखाऊंगा कल आपको मैं, ठीक है? कल क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है? चलो बाय सर।